किसी ने कुछ मैसेजेस किए हैं सर, कुछ शास्त्रों में पता नहीं किसी संत ने बोले हैं क्या कि पाप कर्म का फल नहीं लगता अगर अगले को अपना ना मानो तो, और इस तरीके की बातों से भी कुछ लोग पाप किए जा रहे हैं। तो सर इस तरीके की बातें दुनिया में लाने से पहले लोग सोचते क्यों नहीं? एक तो ये मैसेज है, पर लोगों को बात सही लगती है इसलिए अपनाते हैं और आसान भी लगती होगी, जबकि दूसरे शास्त्र तो अनुशासन थोड़ा पालन की बात करते हैं। असली गीता में भी यही बातें लिखी हैं क्या? सर आपने सुनी है क्या ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान? देखिए मैं आपको इन बातों का एक दूसरी बात बताता हूँ कि ये जो भी आपको लोग ये बातें बताते हैं ये गलत बातें बताते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा कि जैसे आपने बताया कि अगर अगले को अपना ना मानो तो इस तरीके की बातों से कुछ लोग मतलब पाप कर्म का फल नहीं लगता अगर किसी को अपना ना मानो तो। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप तो ज़्यादातर उनके साथ ही करता है जिनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती, जिनके साथ कोई अपनापन होता ही नहीं है, जिनको वो अपना समझता ही नहीं है। तो इसका मतलब तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो पाप तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि अपना समझ के तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जो भी बातें हैं ना ये किसी संत महात्मा की नहीं है, ये पापियों की बातें हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धर्म का सहारा लेके, धर्म का नाम लेके अपनी गलत चीज़ों को, गलत कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लोगों का तन मन और धन सबका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये सब बातें कहीं भी नहीं हैं, ठीक है। और जो तुमने ये बात बोली कि इस तरीके की बातें लाने से पहले लोग सोचते क्यों नहीं है, इस तरीके की बातें ही वही लोग लाते हैं जिन्होंने इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना होता है, बेवकूफ़ बनाना होता है। कोई संत महापुरुष ऐसी बातें थोड़े करता है। और ये जो एक बात आपने और कही है कि लोग ऐसी बात इसलिए अपनाते हैं कि अपना लोगों की बात सही, लोगों को ये बात सही लगती है इसलिए अपनाते हैं और आसान भी लगती होगी, हाँ लोगों को जिन्होंने पाप करने हैं, जिन्होंने अपने गलत कामों को सही ठहराना है, तो उनके लिए ये बातें सही हैं, वो इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, ये जो बात आप बता रहे हो मेरे को, या जो एक आपका फ्रेंड था वो उठपटांग बातें बताया करता था कि वो लोगों के साथ इसलिए नाजायज संबंध बनाता है क्योंकि वो निर्दयी रहना चाहता है, वो संसारी नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर वो अच्छे संबंध बनाएगा लोगों से, मित्रतापूर्ण संबंध बनाएगा तो वो मोहजाल में फंस जाएगा, लेकिन वो यौन संबंध बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। और आपने कहा दूसरे शास्त्र के तो अनुशासन थोड़ा पालन की बात करते, थोड़ा थोड़ा नहीं है, शास्त्र जो होता है वो पूरा, जो धर्म होता है, धर्म क्या होता है? धर्म होता है आपको ज़िंदगी जीने का जो तरीका बताता है, सेट ऑफ बिलीफ्स, और धर्म तो जीने का तरीका होता है। ये थोड़ा अनुशासन नहीं होता है, तो प्रॉपर ज़िंदगी कैसे जीनी है वो बताया जाता है। और आपने ये भी कही कि दूसरे ग्रंथों में कैसी बात, किसी ग्रंथ में ये सब नहीं लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा है कि आप किसी को बुरा करो, पाप करो, अपना मत समझो, उसका पाप नहीं लगेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कर्म होता क्या है, जिससे समझदारी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा और आपके कितने सारे सवाल अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो कर्म दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें बताई गई हैं धर्म में। कर्म किस प्रकार के होते हैं, कर्म के प्रकार क्या हैं, कर्म का विधान क्या है। मनुष्य इस जीवन में आता है, मनुष्य इस दुनिया में आता है और वो कर्म करना ही पड़ेगा उसको। कोई भी कुछ भी जब हम हिलते हैं, कुछ भी करते हैं, उठते बैठते हैं, सब कर्म है। तो व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई भी कर्म से तो मुक्त नहीं है ना, सन्यासी भी मुक्त नहीं है, उसको भी साधना तो करनी पड़ती है, खाना पीना उसको भी चाहिए, उठना बैठना चलना फिरना, सोच विचार तो वो भी करता है, दिमाग में उसके भी विचार आएंगे सन्यासी के भी। तो सन्यासी भी कर्म से मुक्त नहीं है, कर्म सबको करने पड़ते हैं, और संसारी है वो भी कर्म करता है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो कर्म होता है, एक अकर्म होता है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि अकर्म क्या होता है, अकर्म का मतलब तो कुछ कर्म नहीं करना होता, ये होता है निष्काम कर्म। एक होता है कर्म, वो होता है, वो भी दो तरीके के होते हैं, सकाम और विकर्म। तो आप ऐसे समझिए कि एक तो हो गया कर्म के दो प्रकार समझ लीजिए, अकर्म और कर्म, और कर्म में फिर आगे चल के दो प्रकार हैं, सकाम कर्म और विकर्म कर्म, ठीक है ना, विकाम कर्म या विकर्म भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो निष्कर्म क्या है, इसको अकर्म क्यों कहा गया, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कुछ भी करता है बिना किसी फल की इच्छा किए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है नौकरी लेना, तो नौकरी लेने की वजह से वो कर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कुछ भी करता है उसके पीछे उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, फल की इच्छा की वजह से ही कर्म लोग करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा करता है तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। निष्काम कर्म का बेनिफिट क्या है, पहले मैं ये बता दूँ थोड़ा सा आपको। दुनिया में लोग आते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, कुछ लोग पाप अधिक करते हैं, कुछ लोग पुण्य अधिक करते हैं, तो वो पाप और पुण्य प्रारब्ध बन जाता है, उनका भाग्य बन जाता है। तो अगले जन्म में या उसी जन्म में उस भाग्य के अनुसार उसको उसके जीवन में चीज़ें मिलती हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम, कोई आदमी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत करी है उसने,
लेकिन उसके प्रारब्ध में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों में उसने कुछ पुण्य कर्म इतने नहीं करे, तो उसकी किस्मत ख़राब है। तो मेहनत बहुत करेगा लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, तो ये उसके भाग्य उसके लिए जिम्मेदार हो गया। ये ज्योतिष में इस चीज़ को बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो मुझे ज्योतिष की नॉलेज है, इस वजह से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। और मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं इस पर, डिटेल में वीडियोज़ बनाई हैं कि कैसे ग्रह भी कर्मों को किस तरीके से उनके हिसाब से व्यक्ति की ज़िंदगी में बदलाव लेके आते। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम एक बंधन में, कर्म बंधन में फंस जाते हैं। अगर हम पुण्य करेंगे तो भी और पाप करेंगे तो भी हमें फल भोगना ही पड़ता है, पुण्य कर्म का भी और पाप का भी। व्यक्ति जीवन मरण के आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होता है। अगर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो उसको अपने कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। अब कर्म तो करने पड़ते हैं, कर्मों से मुक्त कैसे हो? कर्मों से मुक्त होने का तरीका एक है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना किसी फल की इच्छा किए, लोक कल्याण के भाव से करे। मतलब वो ये इस नियत के साथ करे, इस भाव के साथ करे कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ना, मुझे इसका फल नहीं चाहिए, बस निस्वार्थ भाव से उसको करना है, उसे फल की इच्छा नहीं है। वो धर्म के अनुसार जो भी सही है उसे वही कर रहा है, चाहे वो जीते हारे, उसको यश मिले अपयश मिले, कोई मतलब नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं कि संत महात्मा किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि इनको अपने यश अपयश फ़ायदे नुकसान का कुछ नहीं होता है। इन्होंने जो सही है, जो अब सही क्या है, सही वो होता है। अब सही के भी अलग अलग मायने होते हैं, तो सबसे आसान तरीका है सही गलत को जानने में कि जो आप व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, आप खुद को उनकी जगह पर रख के देखें, क्या आप वो चीज़ अगर कोई आपके साथ करेगा तो आपको बर्दाश्त है? अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो फिर वो गलत है। तो धर्म में यही चीज़ें बताई गई हैं कि जो चीज़ आप खुद के लिए पसंद नहीं करते, वैसा आपको दूसरे के लिए भी नहीं करना। तो ऐसे में क्या करेंगे लोग? सही काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि बुरा तो कोई नहीं चाहता हमारे साथ करे। तो जो भी व्यक्ति लोगों के फायदे के लिए काम करता है, और धर्म क्या कहता है? सच्चाई से रहो, ईमानदारी से रहो, अपना काम ईमानदारी से करो, किसी का बुरा ना करो। यही तो धर्म की, यही तो शिक्षा है। ये थोड़े कहता है कि किसी को अपना मत मानो और उसके साथ पाप करो, उसको लूटो, ऐसे तो नहीं है। ये तो लोगों ने फिर अपने नए नए धर्म बना लिए, और इस तरीके के धर्म जिसमें हिंसा है, झूठ है, पाप है, वो टिकता ही नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं। लोग अलग अलग समय पर अलग अलग अपने धर्म बनाते रहते हैं, लेकिन जिसमें अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है, वही टिकता है। बाकी सब धर्म वक्त के साथ ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि धर्म क्या? जीने का तरीका। इसलिए धर्म में शांति और अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, ये बड़ा ज़रूरी है, और यही धर्म सिखाता है। और जो व्यक्ति कोई भी कर्म ईमानदारी से करता है, सच्चाई से करता है, चाहे उसका फ़ायदा हो नुकसान हो, वो मतलब नहीं है, तो वो व्यक्ति बिना फल की इच्छा से निष्काम कर्म करता है, वो अकर्म बन जाता है। और अकर्म जो व्यक्ति करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि वो बिना फल की इच्छा के कर रहा है। और जो सकर्म होता है, सकाम कर्म जो होता है, उसमें व्यक्ति फल की इच्छा करता है। अगर दान भी देता है तो भी उसको माइंड में होता है कि मैं ये दान दूंगा तो मेरा भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो उसका जो वो है, कुछ भी करने का जो मोटिव है, वो अपना अच्छा करना है, तो एक माइंड में मोटिव है, तो वो पुण्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी का बुरा करता है, जैसे विकर्म, विकर्म मतलब विपरीत कर्म, वो कर्म जो अनुचित है, अधर्म के मार्ग पे चल के किया जा रहा है, असत्य, झूठ, हिंसा, मार पिटाई, धोखा, ये जो व्यक्ति कर रहा है ये विकर्म कर रहा है, ये तो घोर पाप है, तो ये भी व्यक्ति को बांधता है। तो जो निष्काम कर्म होता है, बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म, वो व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त करता है, उसको मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। और जो व्यक्ति सकाम, फल की इच्छा से करता है कर्म, वो उसको जन्म मरण के चक्कर में तो बांधता ही है, लेकिन हाँ, पाप करेगा तो उसका भाग्य खराब होता है, पुण्य करेगा तो भाग्य अच्छा होता है, लेकिन सकाम कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। निष्काम, जिसको अकर्म भी बोल देते हैं, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये आपके, आपको क्लियर कर दिया मैंने कर्म का क्या विधान है, कर्म किस तरीके से काम करता है। और कर्म में एक बात और है कि ये कर्म कोई नष्ट नहीं होता, इसलिए कोई ये सोचे कि मैंने ये कर्म कर दिया, पाप कर दिया, और अब मैं अच्छे कर्म करके वो मेरा सारा कर्म डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, सब कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हाँ, ये लोग जो ज्योतिषीय उपाय बताते हैं, ये सब मंत्रों का जाप होता है, उससे चित्त की शुद्धि होती है, मन शांत होता है, व्यक्ति सही तरीके से सोच विचार करके सही कर्म करता है, जिससे कि उसकी जो सोच होती है वो निर्मल होती है और उसके कर्म शुद्ध और शुभ हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि शायद अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ये सब जो बातें करता है वो, जो भी लोग हैं, ये गलत हैं, या तो ये खुद अज्ञानी हैं, या ये जानबूझकर लोगों को गलत बातें बताते हैं ताकि उनको मैनिपुलेट किया जा सके, उनको यूज़ किया जा सके, एक्सप्लोइट किया जा सके, क्योंकि लोग पढ़ने लिखने में इतना विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को वैसे भी धर्म की जानकारी इतनी है नहीं, इसलिए अज्ञानतावश जो ऐसे लोग होते हैं वो इनका, वो जो अनजान हैं, अज्ञानी हैं धर्म के संबंध में, उनका फिर मैनिपुलेशन करके उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने एक और बात मैसेज किया है कि जिन आदमियों के पास पैसे नहीं होते तो शादी को करते हैं, मेरे पापा को शुरू से पैसों के लिए टेंशन देखा है। पुराने ज़माने में अक्सर लोग, सभी लोग ऐसा करते थे, शादी के बाद नौकरी शुरुआत करते थे। शादी ज़रूरी चीज़ होती है और एक उम्र तक हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर शादियों के लिए रिश्ते नहीं होते। पुराने ज़माने में यह था कि हाँ, 20-21 की उम्र हो गई तो शादी कर दो, काम धंधा का क्या है, काम धंधा तो मिल ही जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि काम धंधा मिलेगा ही नहीं। और दूसरी, ये भी एक धारणा होती है लोगों की कि लड़की आने के बाद लड़के का भाग्य चमकता है, और ये वास्तव में बात सच्ची भी है, क्योंकि जब दो लोग एक होते हैं, तो जिसमें एक जान होते हैं, तो उनके भाग्य में परिवर्तन आता ही है।
और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। शादी के बाद लड़के और लड़की और उनके परिवारों की ज़िंदगी सेम नहीं रहती है, तो ये परिवर्तन तो आता ही है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव ही आता है, और शादी के बाद व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वो और लाइफ को लेकर सीरियस हो जाता है, तो लोग शादी कर ही लेते हैं। और शादी तो करते ही हैं क्योंकि उनको पता है जीवन अकेले निकालना बहुत मुश्किल है, पहाड़ जैसा जीवन है, अकेले नहीं निकलता है, तो शादी ज़रूरी है, इसलिए लोग शादी करते हैं। काम धंधा तो ढूंढ ही लेते हैं बाद में। फिर तुमने कहा सर जिन लड़कियों की नौकरी नहीं है उनकी शादी के बाद कुछ पैसे माँ बाप को भी देने चाहिए, अगर बाद में लड़का साथ नहीं दिया तो वह किससे मांगेंगी, कौन देगा पैसे? क्या ससुराल पक्ष, लड़के जो है ससुराल में जाती है लड़की, तो क्या लड़के वाले देंगे लड़की को? और ऐसे तो कितने पेरेंट्स होते हैं जिनके लड़के होते ही नहीं हैं, सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, तो कौन देगा? ये हमारे सोचने से समाज नहीं बदलेगा, समाज बना हुआ है, समाज वक्त के साथ कितने वर्षों में बनता है, सदियाँ लग जाती हैं समाज को बनने में, और वो जो चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं फिर उनको सदियाँ ही लगती हैं बदलने में, जो चीज़ सदियों में बनती है उसे टूटने में भी सदियाँ ही लगती हैं, तो ये जो समाज में चल रहा है उसको बदल नहीं सकता। और हम सोचे कि सरकार मदद कर देगी, तो सरकार के पास और भी बहुत सारे खर्चे हैं, किस किस को सरकार देगी? सरकार का काम होता है सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये लोगों का काम है, ये आदमी का काम है कि वो अपनी जीविका के माध्यम ढूंढे और कुछ पैसा बचा के रखे, और इसकी जिम्मेदारी हम किसी को दे नहीं सकते, और हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। सर मैं जनरल बात करती हूँ इसलिए इस तरीके से पूछती हूँ लिखती हूँ, अगर किसी और का सवाल होता है तो ये सोच के, तुम्हें जो कहना है वो कहो, जो लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई सवाल करती हो तो स्पष्ट तौर पर तुम्हें वो सवाल करना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि ये एक्सप्रेशन है या सवाल है। मुझे किसी के किसी भी व्यक्ति, कोई भी लड़का कोई भी लड़की कुछ भी लिखे, कोई भी बात अपने दिल की शेयर करे, फीलिंग्स शेयर करे, कोई सवाल करे, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस अपना सवाल क्लियर होना चाहिए, सवाल सवाल के तरीके से पूछे जाएँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो फिर उसका जवाब देना आसान रहता है। और भी कुछ सवाल आए हैं कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि महिला पैसे की मांग करती है तो महिला बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ लोगों का मानना है, इन दोनों का फिर रहा होगा, अच्छा हुआ सगाई के बाद मैंने लड़की की बातों में आकर कुछ गलत नहीं किया, नहीं तो खुद में मुझे ही बदनाम कर देती। ये तो बिल्कुल सही बात है, अब कोई विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, और जो गलत है वो गलत है, और वैसे भी अगर हम कर्म की दृष्टि से भी देखें तो ये अधर्म ही है, आप किसी के साथ ऐसा करते हो और इससे हमारा भाग्य भी बदलता है। ये जो कैजुअल रिलेशन यौन संबंध लोग बनाते हैं इससे व्यक्ति की किस्मत और भाग्य पे फ़र्क पड़ता है, और अगर वो नहीं भी बदनाम करती तब भी भाग्य पे फ़र्क पड़ता है, और नेगेटिव भी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और वो जो लड़के की बात करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसने करी होगी, क्योंकि अगर नहीं किया होता ना तो वो चीख चिल्ला के बोलता मैं निर्दोष हूँ, अगर वो चीख नहीं रहा चिल्ला नहीं रहा तो गड़बड़ उसने करी है। बाकी इस विषय में तो वो जाने, उसका वकील जाने, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बात साफ़ है कि अगर कोई भी लड़की, किसी भी औरत की इतनी हिम्मत नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना, औरतें कहती हैं कि किसी भी औरत, किसी भी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हाथ लगा दे जब तक औरत खुद इशारा ना करे, वैसे किसी औरत की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से कुछ कर जाए अगर आदमी निर्दोष है, आदमी ने कुछ गलती नहीं की, आदमी बोलता हाँ साबित कर चल कहाँ चलना है, तो आदमी भी नहीं डरता, लेकिन जहाँ पाप किया होता है, जहाँ गलत किया होता है वहाँ डर होता है, तो कुछ भी हो सकता है, बस वो तो वही जाने क्या हो सकता है, क्या कानून है, क्या वकील कहता है, क्या कर सकते हैं, वो तो वही जाने, लेकिन इसमें शिक्षा एक ये है, अगर कोई सीखना चाहे कि किसी का कोई भरोसा नहीं है, गलत काम से जितना बचो उतना अच्छा है। फिर भी किसी के मन मस्तिष्क में कोई सवाल हो पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।